नमस्ते साथियों, मध्य प्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के मूलभूत सिद्धांत क्या है, अर्थात इस सिद्धांत में कितनी बातों को समाहित किया गया है, इस बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को मैंने लिख कर रखा है और इस जानकारी में मूलभूत सिद्धांतों के अंतर्गत 7 बातें समाहित है। सक्षम प्राधिकारी को इन बातों का ध्यान देना चाहिए, जो भी क्रय करता है तो क्रय के नियमों के बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। तो सिद्धांत क्या देखिएगा, पहले मैं आपको सीधे मोटा मोटा पढ़कर बता देता हूँ, इसके पश्चात हम इस पर थोड़ी चर्चा कर लेंगे। तो लिखा है कि लोक हित में क्रय हेतु सक्षम प्राधिकारी की यह जिम्मेदारी व जवाबदेही होगी कि वह क्रय से संबंधित प्रकरणों में कार्य कुशलता, समयबद्धता, मितव्ययता, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के साथ साथ प्रदेश के सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा देते हुए समस्त आपूर्तिकर्ताओं के साथ उचित तथा समान व्यवहार रखे। तो ये जानकारी वर्णित है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो मध्य प्रदेश हैंडबुक 2022 की है, 2017 की, इनमें जानकारी वर्णित है और यहीं से हमने जानकारी ली है। तो यहाँ पर देखिएगा, कुल 7 बातों को इंगित किया गया है। सबसे पहले तो ये है कि भाई लोक हित में क्रय हेतु सक्षम प्राधिकारी की ये जिम्मेदारी होगी, ठीक है, ये उसकी जवाबदेही क्या होगी कि क्रय से संबंधित प्रकरणों में कार्य कुशलता, यानी क्रय की कार्य कुशलता, सबसे पहला बिंदु आता है कार्य कुशलता, ठीक है। दूसरा बिंदु क्या है कार्य कुशलता के साथ में, समयबद्धता। दूसरा बिंदु क्या आ गया, समयबद्धता, ठीक है। तीसरा बिंदु क्या है, मितव्ययिता, मितव्ययिता। चौथा बिंदु क्या है, पारदर्शिता, पारदर्शिता। पांचवा बिंदु क्या है, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा। छठवां बिंदु क्या है, सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा, को बढ़ावा। और सातवां बिंदु क्या है, समस्त आपूर्ति करता हूं को उचित अवसर और समान व्यवहार, और समान व्यवहार। यहां पर अब देखेंगे कि इन 7 बातों का विवरण दिया गया है। भंडार क्रय नियम के अंतर्गत कार्य कुशलता होनी चाहिए, जो भी क्रय करता है, जैसे कि यहां पर स्पष्ट किया गया सक्षम प्राधिकारी क्रय के लिए, तो कार्य कुशलता उसमें होनी चाहिए, ठीक है, यानी किस तरीके से खरीदी करना है ये। इसके बाद बात आती है समयबद्धता की, तो एक निश्चित समय पर खरीदी हो जानी चाहिए, निश्चित समय पर जो सामग्री है वो प्राप्त हो जानी चाहिए, ठीक है। और साथ ही जो सामग्री है उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए समय के अनुरूप। फिर आगे मितव्ययिता, क्रय करने में कम लागत, मतलब कम मूल्य लगे हमारा, ठीक है, यानी कम मूल्य में अच्छी, बेहतर और अधिक सामग्री हम खरीद सके, इसमें मितव्ययिता का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आगे पारदर्शिता, खरीदी में पूर्णतः पारदर्शिता का, पारदर्शिता होनी चाहिए, यानी कितने का क्रय किया गया हो स्पष्ट होना चाहिए, इसका स्पष्ट उल्लेख रोकड़ या लेजर में होना चाहिए, ठीक है ये। और प्रतिस्पर्धा मतलब ये है कि हमको केवल एक ही किसी आपूर्तिकर्ता के माध्यम से, यानी किसी एक ही दुकान से क्रय न करते हुए जो अन्य अलग अलग जो आपूर्तिकर्ता हैं, ठीक है, उनके बीच में तुलना करके हमको देखना चाहिए किसकी सामग्री गुणवत्ता युक्त और कम कीमत की, उस आधार पर ही क्रय करना चाहिए। इसके पश्चात आगे आता है सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा। हमारे मध्य प्रदेश में जो भी सूक्ष्म उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ऐसे ही आपूर्तिकर्ताओं, यानी जो लघु और जो सूक्ष्म और लघु उद्योग जो करते हैं, उनसे ही सामग्री क्रय करना चाहिए, तो उनको बढ़ावा मिलेगा। और अंतिम बात यह है कि समस्त आपूर्तिकर्ताओं के साथ समान और उचित व्यवहार रखना, ठीक है। जितने भी आपूर्तिकर्ता हैं, अर्थात दुकानदार हैं, जो भी व्यवसाय करते हैं उन सामग्री या वस्तुओं के अंतर्गत, उनके साथ सम्मान व्यवहार करते हुए सबको मौका देना चाहिए। तो इन 7 बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए और मध्य प्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम में
ये मूलभूत सिद्धांत है। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।